हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम में न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का हमारा चैप्टर है आज धारा विद्युत। धारा विद्युत का थ्योरेटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट में बहुत पहले आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का बार बार डिमांड था, सर न्यूमेरिकल्स कराइए। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिले करने का मतलब यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू ज्वाइन करते हैं और बिगनिंग से वो वीडियो देख रहे हैं, या बात पहले से भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आपसे तभी बनेगा जब वो चैप्टर आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका कि न्यूमेरिकल्स करने के पहले दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा, उस चैप्टर में जितने फार्मूले यूज़ किए गए हों वो लर्न हो चुका हो, तभी हमको न्यूमेरिकल्स बनता है, अदरवाइज नहीं। तो आज मैं धारा विद्युत का न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने स्टूडेंट अभी धारा विद्युत का हमारा चैप्टर नहीं देख पाए हैं, वो न्यूमेरिकल से पहले उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जो रेडी हैं वो मेरे साथ चलिए। अब आपको पैटर्न पता है कि बोर्ड पर मेरा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप बोर्ड से क्वेश्चन रीड करिए, बहुत ध्यान से एक बार स्टेटमेंट को आप समझिए। मैं साथ में बुक से भी, एनसीईआरटी के बुक से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कंप्लीट एनसीईआरटी का भी करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक से मैं न्यूमेरिकल्स आपको रीड कर रहा हूँ, और फिर वन बाई अपन क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। सपोज हमारे पास कोई कार है, इस कार में यह है 3.1, जिसको मैं लिख रहा हूँ 1, या 3.1 ही लिख देता हूँ, 3.1। किसी कार के संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल तो दिया है, गिवन है अपने को क्या, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई इक्वल टू 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर, यह है 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, आई मैक्सिमम का हमको मान पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड हैं और दो दो लाइन के हैं, तो देखते जाइए इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है। फार्मूला अपने पास क्या होता है, जिसमें ई स्मॉल आर और आई मैक्सिमम हो, तो हमको पता है कि आई इक्वल टू होता है टोटल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, वाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। बट अपने को पता है दैट इम्प्लाइज यदि हमको आर मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम आर के लिए, आई मैक्सिमम के लिए क्या होता है, आर का जो मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी बैटरी से हम अधिकतम धारा, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, किसी भी बैटरी से हम अधिकतम धारा तभी ले सकते हैं जब उस परिपथ में जो सर्किट में वाह्य प्रतिरोध है वो 0 हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समय कंडीशन हमारा होगा ई अपान, ये 0 हो गया तो स्मॉल आर, दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो आई मैक्सिमम इक्वल कैपिटल ई का वैल्यू अपने पास पता है, यह है 12 अपान 0.4, क्लियर, दैट इक्वल इसको अपन सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम डेसिमल को चेंज करें तो 12 × 10/4 दैट इक्वल 4 × 3 ये हो जाएगा 30 एम्पियर, क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर आया हुआ है देखिए 30 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर है और बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, न्यूमेरिकल्स देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल्स का PDF नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का PDF का कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, आप सॉल्व करिए। मैं चैप्टर के पूरे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो या तो आप मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या आप समझ गए हैं तो आपके पास NCERT बुक है, वहाँ से आप उसको फेयर नोट्स में आप इसके न्यूमेरिकल्स को बनाइए। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, फेयर में बनाना जरूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप ले सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको मैं मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.2। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यह भी बैटरी पर बेस्ट क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है अपने को देखिए, विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट, कैपिटल ई इक्वल टू 10 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू 3 ओम गिवन है। किसी प्रतिरोध से संयोजित यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, एम्पियर करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। सबसे पहले इसी तरह आप लिस्ट बनाइए जो जो आपको गिवन है। तो प्रतिरोध का, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब कैपिटल आर हमको पूछ रहा है, क्लियर। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, ये इतना हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ हमको आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, धारा का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैपिटल आर, जहाँ पर अभी मैं आपको एक फार्मूला बताया, आई इक्वल टू बैटरी के लिए आई इक्वल टू होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसकी सहायता से हमको ये ई आर और आई दिया हुआ है तो हम आर निकाल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज इसमें वैल्यू अपन पुटअप कर दें तो आई का वैल्यू अपने पास कितना है 0.5, दैट इक्वल कैपिटल ई है 10 वोल्ट, 10 लिखेंगे यहाँ पर। ये सब इजी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। कैपिटल आर का मान हमको ज्ञात करना है प्लस स्मॉल आर का वैल्यू अपने को पता है कितना 3, दैट इम्प्लाइज आगे हमको इसके लिए सारों का स्क्वायर ट्रांसफर कर देते हैं तो कैपिटल आर प्लस 3 इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, दैट इम्प्लाइज कैपिटल आर प्लस 3 इक्वल टू 0.5, यहाँ पर 100 करेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 220, क्लियर, या इसको 1/2 करें तो 20 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज कैपिटल आर इक्वल टू 20 माइनस 3, तो 17 ओम। ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट जो हमको क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल आर का वैल्यू। अब बोलता है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता का मतलब क्या होता है, जब किसी सर्किट में इस तरह से देखो, ये सपोज यहाँ बैटरी लगा है, यहाँ प्रतिरोध है ए बी, टर्मिनल वोल्टता का आपको मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, ये भी है। अब इसका विद्युत वाहक बल है 10 और यहाँ इसका प्रतिरोध R है और इसमें बहने वाली धारा मान लो I है, तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा 10 और इसका विभवांतर हो जाएगा R इंटू आई, तो इसके विद्युत वाहक बल से इसके विभव को माइनस करने पर जो आएगा वह इन दोनों सिरों का टर्मिनल वोल्टता होता है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टता भी निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, ई माइनस आई इंटू आर, आई इंटू आर, दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू ई का मान है अपने पास 10, क्वेश्चन में दिया है ई का मान 10 दिया हुआ है और धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है कितना 0.5 और बाह्य प्रतिरोध हमने भी निकाल दिया, सॉरी उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा जो कि 3 है, जो कि यहाँ पर 3 है। यह कैपिटल आर तो क्या है, पूरे सर्किट का प्रतिरोध है, दैट इक्वल यह हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 1.5, दैट इक्वल ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। आंसर टेली कर ले, आंसर क्या दिया हुआ है देखिए 8.5 वोल्ट, तो ये इसका टर्मिनल वोल्टता हो जाएगा। तो ये फार्मूला से V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, देखिए आपको चैप्टर यदि ढंग से समझ में नहीं आया है या फार्मूला आपने लर्न नहीं किया है तो सब न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगा, सब आपको पढ़ा हुआ है, मैं केवल उसके फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। यह तो मैंने आपको बताया था समझाने के लिए।
ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं रीड करूं, क्वेश्चन नंबर थ्री तो बहुत ही आसान है। देखिए, वन टू और थ्री ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री श्रेणी समूहन पर, श्रेणी समूहन के फार्मूला पर बेस्ड है। श्रेणी और समांतर समूहन का जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन उससे आते हैं, उसको अलग से मैं कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन पर कराऊंगा। 3.3 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध, तो गिवन है अपने को R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम, ये दिया हुआ है। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बहुत आसान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R इक्वल टू सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला होता है। दैट इम्प्लाइज कैपिटल R इक्वल, ये वैल्यू अपन पुटअप कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आगे के क्वेश्चन NCERT में जो आगे का क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। लेकिन NCERT बुक का एक बहुत अच्छा खासियत है कि वह बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक लेके जाता है, इसलिए होमोजीनिटी मतलब बहुत जो होमोजीनियस इसका क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड है। तो इसको आप दो लाइन का तो आंसर ऐसा नहीं, सब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन इसमें से, जैसे आप कोई दूसरा बुक कंसल्ट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो फ्लो है वो बराबर चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट पर है। इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग सबसे पहले आपको NCERT से ही करना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो बच्चा है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वह भी न्यूमेरिकल, बहुत से न्यूमेरिकल NCERT का समझ सकता है, कर सकता है। फिर धीरे 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 आपको अपने स्टैंडर्ड को अप करना है। क्लियर? देखिए सेकंड पार्ट में, आप देखिए क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर इस तरह की बात है, देखो हम इसको सर्किट के रूप में बना दें तो इस तरह से ये तीन प्रतिरोध है ये, और इसको किसी बैटरी के साथ में ऐसा जोड़ा गया है। ये R1 है, मतलब ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, 3 ओम है, ये इसका प्रतिरोध है। इसका विभव सपोज V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। अब यहाँ से यदि हम करंट सप्लाई करें तो नेचुरली आपको पता है कि करंट सब में क्या है, समान जाएगा, क्योंकि श्रेणी समूहन में क्या होता है, धारा का मान सभी में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम धारा का मान निकाल लें तो बहने वाली कुल धारा कितना हो जाएगा, ओम के नियम से V=I×R, दैट इम्प्लाइज I=V/R, दैट इक्वल, यहाँ पर वोल्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट। यदि प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ा गया है, तो 12 वोल्ट का बैटरी, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और प्रतिरोध जो हम निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 6 वोल्ट, तो 6 ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का क्या हो गया, इसमें करंट फ्लो हो गया। अब यदि हम चाहें तो इनके विभव क्या क्या हैं, तो सपोज पहले रजिस्टेंस का विभव हमने वी माना है, तो V=I×R, इसलिए V1=I×R1। यहाँ पर करंट कांस्टेंट होगा, करंट हमने निकाल लिया 2, और इसका रेजिस्टेंस है 1, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। इसी तरह से अपन V2 निकालें, तो V2=, करंट तो 2 ही होगा, और V2 में रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो ये हो गया 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट, और V3=, हो जाएगा यहाँ पर 3 है और करंट है 2, तो 2×3=6 वोल्ट। देखिए 6, 4, 10, 2, 12, 2 ये और 12, ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा है, जो 12 वोल्ट का हम इसमें करंट सप्लाई कर रहे हैं, ये 12 वोल्ट का जो करंट है
इसमें 2 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट, ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे कि टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको प्रतिरोध निकालना श्रेणी, उसके बाद यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी समूहन है, इसलिए करंट कांस्टेंट होगा और विभव सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लो इसी क्वेश्चन को हम समांतर के लिए, आगे है उस तरह का क्वेश्चन, तो समांतर के लिए करेंगे तो उस कंडीशन में भी कांस्टेंट हो जाएगा आई आई। अब इन चीज़ों को मैं अपने वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत ध्यान से आपको बताया कि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, इन चीज़ों को आपको समझना है। मतलब देखिए, मैं अपने न्यूमेरिकल के क्लास में हमेशा एक डिस्कस करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपसे 4, 10, 20 क्वेश्चन दिया बन गया मैटर नहीं है। मैटर यह है कि आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप बनाना सीख गए तो ऐसे और बहुत से क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप यही क्वेश्चन तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो इसको समझते जाना है कि कहाँ पर किसको हम कांस्टेंट, किसको वेरिएबल ले रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से आप देखिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3.4। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही सबसे अच्छा ये है कि हर क्वेश्चन का अपना एक नया कॉन्सेप्ट होता है। आप यदि 15-20 क्वेश्चन करते हैं तो 20 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं। जबकि किसी ऐसे बुक को आप उठाइए जहां पर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। प्रैक्टिस के लिए रिपीटेड क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन सफिशियंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.4। देखिए यहाँ पर समांतर समूहन का क्वेश्चन, ये आप इसके उसको समझते जाइए। एक क्वेश्चन सीरीज कर दिया तो तुरंत उसका समांतर कर दिया ताकि स्टूडेंट बराबर उस डिफरेंस को समझते जाए। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, आप बोर्ड से पढ़िए क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन बुक से बोर्ड से पढ़िए। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयुक्त, पार्श्व में मतलब पैरेलल। तो यहाँ पर R1 इक्वल टू दिया हुआ है 2 ओम, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 5 4 ओम और R3 इक्वल टू दिया हुआ है 5 ओम। इस प्रकार से ये गिवन है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले तो हम वही निकाल लें, पहले पार्ट में पूछा है ए पार्ट में कि कुल प्रतिरोध। तो समांतर समूहन है, समांतर समूहन में फार्मूला क्या होता है अपने पास, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट इम्प्लाइज 1/R इक्वल 1/R1 का वैल्यू कितना, 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। दैट इम्प्लाइज 1/R इक्वल, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, 20 यहाँ एलसीएम हो गया, तो 2 दहम ये हो गया, 4 पंचे 20 और 5 24। दैट इम्प्लाइज 1/R, 1/R इक्वल ये हो जाएगा 19/20। देयरफॉर यहीं पर ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यही लिख देते हैं, ये फिर उलटना पड़ेगा, धोखा हो जाता है। यहाँ पर कई बार हम लोग से भी धोखा हो जाता है, 20/19 ओम। यहाँ उलटना नहीं भूलना, क्योंकि समांतर समूहन में हम 1/R का फार्मूला निकालते हैं। तो 19/20 ओम का क्या हो गया, हमको प्रतिरोध मिल गया। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में इसका क्या पूछता है देखिए। बी पार्ट में पूछा है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य संबंध किया जाता है, प्रतिरोध प्रतिप्रवाह धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करें। देखिए, सेकंड के लिए मैं आपको एक छोटा सा सर्किट बना दूं आपको समझाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध को लगाया गया है, एक प्रतिरोध ये समांतर क्रम में है ये प्रतिरोध, और जब समांतर क्रम में इस प्रकार से आप जोड़ दोगे, इस प्रकार से हम यहाँ पर बैटरी लगा दिए और बैटरी बोला है कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का। अब यहाँ पर हम करंट सप्लाई करेंगे आई, तो आपको पता है समांतर समूहन में करंट जब इस टर्मिनल में जाएगा तो 3 पार्ट में क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ये सपोज आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, तो यहाँ पर करंट सपोज आई वन हो गया, आई टू हो गया, आई थ्री हो गया, लेकिन विभव यहाँ पर कांस्टेंट है। विभव इसमें कांस्टेंट बिल्कुल 3.3 वाला क्वेश्चन था सीरीज पर और 3.4 वाला क्वेश्चन पैरेलल पर। मतलब एक बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट को न्यूमेरिकल से डर लगता है, बहुत स्टूडेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल से भागते हैं मुझे पता है, उनको मेरा सजेशन है कि एनसीईआरटी के फ्लो को आप बराबर पकड़िए, धीरे 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 आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। बाद में फिर अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन में एंट्री करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए, वहाँ पर V1, V2, V3 था, यहाँ I1, I2, I3 था। अब हमको इसका तुल्य प्रतिरोध पता चल गया है, ये है और विभव है, क्लियर। तो धारा का मान तो हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है, और V कांस्टेंट यहाँ पर। तो टोटल करंट अपन निकाल सकते हैं किस फार्मूला से, देयरफॉर V इक्वल टू I इंटू आर, ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू आर, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू हम निकाल सकते हैं क्या, V अपन आर, दैट इम्प्लाइज I इक्वल V 20 वोल्ट है और प्रतिरोध हमने निकाला है कितना, प्रतिरोध क्या है, हाँ ये निकाला 20 अपन 19, ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू हो जाएगा 19 एम्पियर, ये हो गया 19 एम्पियर, इसका आंसर हो गया, एक आंसर इसमें 19 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर। क्या क्या पूछा है, टोटल करंट, टोटल करंट और सब में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है ये भी पूछा है अपने को। पहले तो टोटल करंट कितना फ्लो होता है, ये 19 एम्पियर का पहला आंसर ये है, तुल्य प्रतिरोध ये। अब इसमें करंट फ्लो कितना फ्लो होता है, तो देयर फॉर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर वन, तो V कितना है, V 20 वोल्ट है, ये 20 है V, और अपान R1 कितना है अपने पास, देखिए R1 पहला प्रतिरोध है 2, तो 20 अपान 2 दैट मीन्स 10 एम्पियर हो जाएगा। ये I2 यदि हम निकालना चाहें तो I2 इक्वल टू V मतलब 20 अपान R1 4 दैट इक्वल 5 एम्पियर, एंड I3 इक्वल टू 20 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया, 4 एम्पियर। ये अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी आपका चेक हो जाएगा, टोटल करंट कितना है 19 एम्पियर, और ये है 10, 5 और 4, 10, 5, 15 और 4, 14, तो तीनों करंट को यदि हम सम कर दें तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना होएगा, 19 एम्पियर। या तो आप इसको पहले निकाल के सब को ऐड करके 19 निकाल सकते हो, दो तरीके हैं निकालने का, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे मैंने बना दिया ऐसा, दूसरा सबसे पहले करंट निकाल लो और बहने वाली कुल धारा, तो बहने वाली कुल धारा बराबर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल कितना, 10 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 19 एम्पियर, जो कि मैंने पहले से निकाला। तो बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, देखिए इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। तो आप एक एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट लाता है और बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये मेरा सबको यही सजेशन है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, सर वो बुक पढ़ूँ, कौन सा बुक पढ़ूँ, कहाँ, कुछ नहीं। सबसे पहले पहली प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन दो। इससे दो फायदे हैं, एक तो इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, ईजी से डिफिकल्ट है, दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब आईआईटी जे नीट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। खासकर नीट में जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड एनसीईआरटी को बहुत मैच करता है, तो ये आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फाइव, जैसे ही मेरे बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले होता है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे पढ़ते तक, या आपके पास एनसीईआरटी बुक हो
तो बुक से आप रीडिंग कीजिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं बोर्ड में क्वेश्चन इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट के पास, खासकर जो रीजनल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके पास, बहुत लोग के पास एनसीईआरटी का बुक नहीं होता। तो मेरे बोर्ड में जो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ उससे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, आपको नोट्स बनाना जरूरी है। यदि आप न्यूमेरिकल्स के नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है आपका। नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है? कुछ मतलब नहीं है न्यूमेरिकल्स नोट्स आपको प्रोवाइड करने का, मतलब नहीं, आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3.5, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। देखिए, ये प्रतिरोध ताप गुणांक पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो गिवन है अपने को क्वेश्चन में, वो है कमरे के ताप पर प्रतिरोध, इसको हम बोल रहे हैं R27। 27 डिग्री लिख दिया, मतलब 27 डिग्री पर प्रतिरोध, यह संकेत है इसका। 27 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है ना, या R1 कह देता, वो 27 लिख से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इक्वल टू क्या है, 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, तो ये RT टेम्परेचर पर सपोज 117 ओम है, ये है। तो अवयव का ताप ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब क्या होता है, अल्फा, वो कितना क्वेश्चन में अपने को दिया है, 1.70 इंटू 10^-4 डिग्री कूलाम इनवर्स। अब अल्फा का फार्मूला अपने को पता है, क्लियर? अल्फा का फार्मूला से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो अल्फा का फार्मूला आप याद होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है R1 - R2। देखिए, अल्फा इक्वल टू RT - R 27 के लिए, मतलब R1 - R2 होता है फार्मूला अल्फा का, अपॉन R 27 T - 27, मतलब जो टेम्परेचर फाइंड करना है, और -27, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है R के लिए। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। यदि इसको फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे, R1 - R2 T - T1 - T2, तो यहाँ पर 27 की बात किया है, तो 27 हमने पुट कर दिया। इस फार्मूला को हम यूज़ करें, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए अल्फा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू दिया आपने को 1. फार्मूला आपको पता हो तो क्योर कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इक्वल RT हमको पता है 117 माइनस ये 100 है, और अपान R27 100 माइनस T हमको फाइंड करना है, तो T - 27, बस कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और इस फार्मूला में हमने क्या किया, वैल्यू पुट अप कर दिया। अब यहाँ से हमको ये फाइंड करना है टेम्परेचर, दैट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हो जाएगा 100 T - 27, दैट इक्वल यहाँ से हुआ 17 माइनस कर देंगे तो, और अपन 1.7 × 10^-4, दैट इम्प्लाइज T - 27 इक्वल 17 upon 1.7 × 10^-4, और इसको हम डिवाइड कर दिए तो इधर आ गया अपॉन 100, दैट इम्प्लाइज T - 27, इसको हम सॉल्व करते हैं, यदि हम ये डेसिमल हटा दें तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 10। अब ये 17 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर 10^2 है, 10^2 और ये -4, तो -2 हो जाएगा, और ऊपर जाके ये हो जाएगा -2, इसके साथ 1 के साथ ऐड होगा, तो 10^3, मतलब 1000। दैट इम्प्लाइज T - 27 इक्वल टू, सीधा इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से 1000 ही लिख दिया, 1000 और 27 जाके वहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो T = +27, दैट इम्प्लाइज T = 1027 degree Celsius, ये उसका टेम्परेचर हो जाएगा, क्लियर? देखिए आंसर क्या आया है।
21 degree Celsius. क्लियर, ये हो गया हमारा। तो देखो ये क्वेश्चन सीधा इस फार्मूला पर बेस्ड था, गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, फार्मूला यदि याद है तो केवल इसको आप वैल्यू पुट अप करके सिंप्लीफाई करना है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.6। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो वीडियो पॉज कर करके आप उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन में कहीं पर बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाता है, अपन लिखते लिखते कहीं पर प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो जाता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको आप लोग करेक्ट करके पढ़ लीजिए, ऐसा हालांकि होता नहीं, बाय द वे हो जाए। एक आध दो वीडियो में मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करने के बाद उसको आंसर मैं NCERT की बुक से आंसर हर क्वेश्चन के बाद जरूर टैली करता हूँ, तो बाद में उसको करेक्ट करता हूँ। कई स्टूडेंट केवल हाफ पार्ट देखे रहते हैं, जैसे इस स्टेप में कुछ मैंने वैल्यू मिस्टेक कर लिया, आंसर नहीं आया तो मैं टैली करके सुधारा, तो पूरा आंसर तक नहीं देखते और मुझे कमेंट्स करते हैं सर वो गलत है वो गलत। भैया पूरे क्वेश्चन को आंसर के जाते तक पहले देखो और जो आंसर आया है उसको NCERT के बुक से आप टैली करो, फिर आप उसमें कमेंट्स करो। मे भी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अपन तुरंत NCERT का क्वेश्चन पढ़ के फिर वहाँ सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, तो आप उसको ध्यान दिया कीजिए। मेन पर्पस हमारा ये होता है कि हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको डिजिट्स डेटा का कोई रोल नहीं है। किसी क्वेश्चन में 2 रहेगा तो उस क्वेश्चन में कहीं में 5 हो जाएगा, कहीं 7 हो जाएगा, डेटा चेंज हो सकते हैं। मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस फार्मूला पर वो क्वेश्चन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है उसका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कैसे हुए हैं, कि डिजिट्स क्या थे। डिजिट्स तो केवल एक फॉर्मेलिटी है कि उसके लिए हमको डिजिट्स चाहिए, मेन है कि किस बेस पर वो क्वेश्चन बन रहा है। ये न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.6। पंद्रह मीटर लंबे तार एवं 6×10⁻¹ मीटर इसके अनुप्रस्थ काट वाले तार के उपेक्षणी धारा प्रवाहित की और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, प्रायोगिक तौर पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। इसकी प्रतिरोधकता पूछा है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है। गिवन है अपने को क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको गिवन ही लिखना है तभी क्वेश्चन समझ में आता है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है तार की लंबाई L=15 meters। क्लियर। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये है 6×10⁻¹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका प्रतिरोध R=5 ohm प्रतिरोधकता, मतलब रो, ये हमको फाइंड करना है। देखिए इतना जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है। इतना क्वेश्चन में गिवन है, आपको रो का सीधा फार्मूला होता है पता है, कि चूंकि हमको मालूम है रो इक्वल टू होता है R×A/L। डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, रो इक्वल टू R×A/L। आर का वैल्यू दिया है 5, ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 5×, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 10⁻¹ अपॉन लेंथ 15 meters। ये हो गया 5 × 3 × 2×10⁻¹ ओम मीटर। क्लियर, ओम मीटर, या ओम मीटर भी लिख सकते हैं अपन, ओम मीटर इसका यूनिट होता है। कितना आंसर आ गया 3.6। (2×10⁻¹) ओम मीटर। तो ये आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और वैल्यू पुट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3.6 क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए आप समझ रहे हैं सिर्फ फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि पहले आपको चैप्टर तैयार होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स करने का
मतलब है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, सिल्वर के किसी तार 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 2.7 है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक आपको फाइंड करना है। यहाँ पर 3.5 का अपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है R 27.5, क्लियर। R 27.5 मतलब 27.5 पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 2.1 ओम, और एक और टेम्परेचर पर दिया है 100 पर, R 100 इक्वल टू दिया हुआ है 2.7 ओम। अल्फा हमको ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। यही फार्मूला रहेगा जो अभी अपन बताए हैं, यही फार्मूला रहेगा इसमें। अल्फा का फार्मूला कैलकुलेशन इसमें लेंदी होगा। देखिए अल्फा इक्वल टू R 100 माइनस R 27.5 अपॉन R 27.5 अंडर ब्रैकेट, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है ना क्वेश्चन में, टेम्परेचर को डिफरेंस दिया है 100 डिग्री पर और 27.5 पर। तो T1 है 100 माइनस 27.5, T1 माइनस T2 दैट इक्वल, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो R 100 का वैल्यू दिया हुआ है 2.7 माइनस यह दिया हुआ है 2.1 अपॉन R 27.5, 2.1 और इनटू इसको माइनस करें अपन कैलकुलेटर से, मैं माइनस करता हूँ 100 माइनस 27.5 72.5, ये हो जाएगा 72.5 दैट इक्वल, इसमें से अपन माइनस करें तो 0.6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके 0.6 में डिवाइड कर दो तो 0.0039। मैं कंप्लीट इसका आंसर लिखता हूँ, 0.00 ही आता है, 0.0039 डिग्री कूलम इनवर्स, ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी अभी अपन 3.5 जो क्वेश्चन किए हैं उसी फार्मूला पर कम्प्लीटली बेस्ड है। ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो वैल्यू गिवन है उसको आपको अल्फा के फार्मूला में पुट अप कर देना है, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.8। देखिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3.8। निक्रोम का एक तापंत अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। वोल्ट है 230, करंट जो सप्लाई हो रहा है इसमें वो है 3.2 एम्पियर, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। ये I1 है, ये I2 हो जाता है, 2.8 पर क्या हो जाता है वो स्थायी हो जाता है। कमरे का ताप दिया हुआ है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप रीड करिए क्वेश्चन बोर्ड से, तो तापन अवयव की स्थायी ताप क्या होगा, दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना है। अल्फा इक्वल दिया है 1.7 इंटू 10^4 डिग्री कूलम इनवर्स, ये गिवन है, क्लियर। एक बार ध्यान से बोर्ड से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्या दिया हुआ है।
विभवांतर दिया है 230 वोल्ट, 27 डिग्री पर 3.2 एम्पियर। I2 दिया है प्रतिरोध निकाले बिना हम अल्फा वाला फार्मूला नहीं निकाल सकते, क्लियर। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, जिसको मैं कह दिया R27। तो V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो R इक्वल टू V अपान I, तो यहां पर क्या हो जाएगा V अपान I1, जो कि 27 पर कितना दिया हुआ है 3.2। तो दैट इक्वल पोटेंशियल कितना है अपने पास 230 अपॉन 3.2। ये हम निकाल रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। थोड़ा ध्यान समझना, मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी सहायता से एक बार प्रतिरोध निकालेंगे और इसकी सहायता से एक बार प्रतिरोध निकालेंगे। इन दोनों की सहायता से जो प्रतिरोध निकालेंगे वो R27 होगा, और इन दोनों की सहायता से जो प्रतिरोध निकालेंगे अपन वो कितना टेम्परेचर पर दिया हुआ है वो टी डिग्री पर होगा। टी डिग्री जिसको 2.8 है, जिस पर हमको फाइंड करना है। तो 270 में 3.2 अपन डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से करो तो 20, इसको हम लिख सकते हैं 270 वोल्ट, तो सॉरी 230 है ना, कहाँ से 230 लिखे, उसके धोखे में लिख लिया 230। इसको हम लिख सकते हैं 230 और एक जीरो इससे, ये अपॉन 32। तो इसको डिवाइड करने से आ जाएगा, ये आगे वैल्यू डाले, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा इसका, आगे अपन वैल्यू को डायरेक्ट एक साथ डिवाइड नहीं करते, वैल्यू एक साथ पुट करेंगे तब हम निकालेंगे। अब टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ये हम निकाल लेते हैं, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जिसको मैंने RT कह दिया, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 230, तो इसका वोल्ट है, और अपान उस कंडीशन में ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप संकेतों को डायरेक्ट ऐसा लिखना है तो 27 लिख लो आप, इसको टी लिख लो, मतलब एक ही है। तो 2.8 जिसको हम लिख सकते हैं 2300 अपॉन 28, बाद में एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब हम अल्फा के इसमें फार्मूला लगा दें, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R 27, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R 27 अपॉन R 27 और T माइनस 27। ये फार्मूला होता है अल्फा का, तीन बार यूज हो गया फार्मूला, लर्न हो गया होगा। अब RT का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, तो RT का वैल्यू ये है 2300 अपॉन 28 माइनस R27 हम निकाल के रखे हैं, ये 2300 अपॉन 32 इक्वल R27। तो R27 का वैल्यू ये 2300 अपॉन 32, अंडर ब्रैकेट हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, अल्फा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 1.7 × 10⁴, ये, और टी हमको फाइंड करना है, तो T माइनस 27। ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन को आप करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो T माइनस 27 इक्वल, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा ये 2300 अपॉन 28 माइनस 2300 अपॉन 32, ये हुआ, और इसके अपान में ये है 2300 अपॉन 32, और इनटू ये ट्रांसफर होके नीचे आ जाएगा, तो 1.7 × 10⁴।
अब इसको सॉल्व करना आप लोग की रिस्पांसिबिलिटी है। चलो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मैं आंसर क्या आएगा मैं बुक से देख के बता देता हूँ, और उसके बाद 27 को ले जाके आप ऐड कर दोगे तो टी का वैल्यू इसमें क्या आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, 28 और 32 को एलसीएम ले लेना, क्लियर। दोनों को एलसीएम लेके 32 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, ये 32 इसके एलसीएम के साथ कटेगा, कैलकुलेटर से कर लेना। इसका फाइनल आंसर आता है बुक में, ये आप लोग सॉल्व करना, उसको मैं करूँगा, उसमें टाइम लगेगा, मैं भी कैलकुलेटर से ही करूँगा। बुक में इसका आंसर आया है 867.3 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर है। आंसर इसको कैलकुलेट करने से ये नहीं आएगा तो मुझे बताना, क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मेथड को, देखिए ये आपको गिवन है, इसके बेस पर अलग अलग टेम्परेचर पर प्रतिरोध निकालना है। क्यों? क्योंकि अल्फा के फार्मूला में उसका ज़रूरत पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार बात क्या है, आपको डायरेक्ट अभी तक के क्वेश्चन में R27 का मान वो खुद दे देता था, अभी उसका मान ऐसा ना दे के विभव और धारा के रूप में दिया। तो विभव और धारा के रूप में दिया, उससे हम प्रतिरोध निकाल लिए, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है। बाकी ये क्वेश्चन हम 3 बार कर चुके हैं, ये इसमें नया कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रतिरोध के मान को डायरेक्ट ना दे के उसको विभव और धारा के रूप में दिया, क्लियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर वही आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 3.8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.9, सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन होगा सर्किट। ये 3.9 ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप समझ लिए ढंग से तो इसके बेस पर आप कई क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिस्प्ले किया हुआ है, देखो उसमें सर्किट भी है, और इस क्वेश्चन को आपको सर्किट के बेस पर बनाना है। मैं आपको उसका सिंप्लीफाई सर्किट आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई अपने को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सर्किट पर बेस्ड है पूरा, तो मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाता हूँ देखिए, और इस पर करेंट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा मैं। सब कुछ इस सर्किट के एक्सप्लेनेशन पर ही बेस्ड है, ये ध्यान रखना, इसलिए सर्किट को आप ध्यान से समझो। जो क्वेश्चन में सर्किट है उसी को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4 प्रतिरोध हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आया है, या फिर किरचॉफ्स लॉ। इस क्वेश्चन का पैटर्न यदि आप समझ गए अच्छे से तो बहुत से क्वेश्चन इस पैटर्न पर बनेंगे। यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बैटरी लगाए हुए हैं अपन, कितना 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर, इसको इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, ए बी सी डी। प्रतिरोध के मान हैं 10, 5, 5, 10, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम, ये है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, वो है 5 ओम का। ये आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, बाद में इसको आपको बताऊँगा कि सॉल्व कैसे होगा। और कुछ क्वेश्चन है गिवन नहीं। अब क्वेश्चन में इसमें बोला है कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में हर पार्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से ध्यान से समझना, ये 10 वोल्ट का बैटरी से यहाँ पर सपोज करंट गया, यहाँ ये करंट गया सपोज आई, यहाँ पर आई करंट आएगा, दो पार्ट में बटेगा। तो सपोज दिया, ये देखते जाइए एक एक, ये करंट है सपोज I1, ये I1 करंट कहाँ से गया, 10 ओम से गया।
अब ये करंट जब यहां पर बी में पहुंचेगा तो दो पार्ट में बटेगा। तो सपोज इस पार्ट में गया वो, इस पार्ट में और इस पार्ट में, क्लियर। तो दो पार्ट में जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहां पर हम इसको मान लेंगे आई वन तो खो चुका है ना, इसको हमने सपोज मान लिया आई टू, इस पार्ट में आई टू जा रहा है तो इस पार्ट में आई वन का ये वाला पार्ट गया तो हो जाएगा आई वन माइनस आई टू, मतलब इससे होके जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से जो करंट जा रहा है आई वन इधर चला गया तो इसमें जो करंट जाएगा, आई यहाँ तक आया था, आई वन उधर चला गया तो इधर क्या बच जाएगा, आई माइनस आई वन बचेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना फिगर को, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आई वन इधर गया तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा तो बचेगा कितना, आई जा रहा था आई वन इधर, आई माइनस आई वन यहाँ से गया। अब इस जंक्शन में देखो, इस जंक्शन में जो करंट आएगा वो इधर फ्लो होगा तो इधर कौन आएगा, आई माइनस आई वन। देखिए अभी सर्किट के बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर सर्किट को समझना कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अब हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो किरचॉफ के नियम हम एक एक बंद जाल में लगाते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं बंद जाल, बंद जाल मतलब लूप। क्या है अपने पास, ए बी डी ए, ए बी डी ए में, इसमें हम किरचॉफ का भी सेकेंड लॉ को लगाएं बंद जाल में। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें तो मैंने सब आपको किरचॉफ के नियम, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि चैप्टर 100% क्लियर होना चाहिए यदि न्यूमेरिकल्स करना है। तो न्यूमेरिकल करने का पहला नेसेसरी कंडीशन है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला अच्छे से क्लियर होना। जिन लोग क्लियर करके बैठे हैं वो बहुत आसानी से इसको समझेंगे। तो 10 इंटू आई वन, ये हो जाएगा 10 इंटू आई वन, क्योंकि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। फिर इधर जाएंगे अपन तो यहाँ पर करंट है आई टू और 5, तो प्लस 5 इंटू आई टू। आगे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो हम विपरीत दिशा में चले गए तो माइनस हो जाएगा, प्रतिरोध का मान है 5 और यहाँ पर करंट है आई माइनस आई टू, आई माइनस आई टू, और पूरे सर्किट में कोई भी विद्युत वाहक बल या बैटरी नहीं लगा है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसमें 5 डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस i2 माइनस 5, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस i और प्लस i2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो 2i1 और ये हो जाएगा 3, ये सॉरी 2i1 और i2 प्लस i2 2i2 दैट इक्वल टू i, तो 2i1 प्लस i2 इक्वल टू i हो जाएगा, क्लियर। एक बार सर्किट को चेक करो, देखो 10 इंटू आई वन प्लस इधर आएंगे अपन 5 इंटू i2, फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस i माइनस i1 है, देखो i माइनस i1 इसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा i1 ना, तो 2 प्लस 1 3i1 प्लस i2 इक्वल टू i, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने पास एक बंद जाल है क्या, BCDB, बंद जाल BCDB में यदि हम यहाँ पर सेकंड नियम को लगाएं तो यहाँ से चलिए i1 माइनस i2 इंटू 5, 5 i1 माइनस i2, इसके बाद इधर जाएंगे दिशा विपरीत हो जाएगा तो माइनस 10 i माइनस i1 प्लस i2, i माइनस i1 प्लस i2, और फिर ऊपर जाएंगे तो दिशा विपरीत हो जाएगा तो माइनस 5 i2 इक्वल टू 0, क्लियर। ये है हम किरचॉफ के सेकंड नियम को, इसमें सेकंड लॉ को लगाते जा रहे हैं। दैट इम्प्लाइज अब पूरे रिलेशन में यदि हम 5 डिवाइड कर दें तो 5 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये i1 माइनस i2 और यहाँ पर 5 डिवाइड करने से हो जाएगा 2i माइनस i1 प्लस i2 माइनस i2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आगे अब देखो यहाँ पर
ये i माइनस आई, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, आई वन माइनस आई टू, माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आई प्लस टू आई वन माइनस टू आई टू माइनस आई टू इक्वल टू जीरो। इसी की तरह हम क्या है i को राइट साइड में ट्रांसफर ले लेते हैं तो ये ऊपर से बाहर चला जाएगा उस साइड, और ये i1, ये i1, और कौन सा i1 है, बस एक, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3i1, ये 3i1 हो गया, और i2, i2, i2 ये 2 और ये 3, और ये 4, माइनस 4 i2 इक्वल टू 2i, रिलेशन नंबर सेकंड। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन सॉल्व करते हैं। रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करें, इस रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि सॉल्व किया जाए। देखिए अभी हमारा पूरा पर्पस क्या है कि हमको आई का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि पूरे ब्रांचेस में जितने भी ब्रांचेस हैं यहाँ पर ए बी बी सी सी डी, ये पूरे ब्रांच में हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो उसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कुल करंट क्या है। तो समीकरण एक और समीकरण दो को हम सॉल्व करते हैं और दोनों को सॉल्व करके आई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक तथा दो से इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर 3i1 है, यहाँ पर 3i1 है। यदि समीकरण एक में समीकरण दो को घटाया जाए तो i1 कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, थोड़ा डायरेक्ट समझ जाना। तो i1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब i2 आप देखो, ये माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये चार और एक पाँच, ये हो जाएगा फाइव आई टू इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर रहे हैं तो i माइनस टू आई, ये हो जाएगा माइनस आई, दैट इम्प्लाइज i2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन फाइव आई, ये हो जाएगा i2 का वैल्यू i के पदों में। इसी प्रकार से हम एक बार अब इलिमिनेट कर देते हैं किसको, i2 को। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, i2, ये i2 है तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करके इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 और प्लस सेकंड, थोड़ा ध्यान देना, इसमें 4 मल्टीप्लाई करूँगा, चार तिया 12 और तीन 15, ठीक है, तो जाएगा 15 आई वन, यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऐड होंगे तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में ये जुड़ेगा तो चार दो छः, ये हो जाएगा इक्वल टू 6i, दैट इम्प्लाइज i1 इक्वल टू 6 अपॉन 15i, दैट मीन 2 अपॉन 5, ठीक है 2 अपॉन 5i, ये हो गया i2 का वैल्यू, i1 का सॉरी। तो ये i2 और i1 का वैल्यू मिलने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिए। अब जब दोनों में रिलेशन हमको मिल गया तो एक बंद जाल अपने पास और है, वो कौन सा है, यहाँ से ए बी सी, इसका भी नाम दे देते हैं अपन ई, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सपोज एफ, ए बी सी ई एफ ए, बंद जाल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ई एफ, ई एफ ए में, इसमें भी अपन किरचाफ का नियम लगाएं। तो किरचाफ का नियम यहां पर लगाने से किस तरह से होगा, देखिए यहां से हम चलें तो 10 i1, ये हो गया 10 i1 प्लस, यहां आएंगे तो 5 i1 माइनस i2, 5 i1 माइनस i2, फिर इधर आएंगे, यहां से इधर नीचे आएंगे तो ये तो विद्युत वाहक बल है, इसके आगे आएंगे तो 10 ओम का ये प्रतिरोध है और धारा इसमें बह रही है आई, तो हो जाएगा प्लस 10 आई, प्लस 10 आई, यहाँ पर आगे हम कंप्लीट हो गए, ठीक है।
ये उसके बाद सीधा यहाँ और यहाँ, और इसमें 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल्ब का बैटरी लगा हुआ है तो हो जाएगा 10। बाकी में जीरो क्यों था? क्योंकि वहाँ पर बैटरी नहीं है, लेकिन इस सर्किट में ये बैटरी लगा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? इसमें हम 5 डिवाइड कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड करें तो 2i1 प्लस 5 डिवाइड करें से कैंसिल हो जाएगा, प्लस i1 माइनस i2, यहाँ 10 डिवाइड करेंगे तो प्लस फाइव डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2i और इक्वल टू 2। हमने 5 का भाग दिया दोनों पक्षों में। अब यहाँ पर देखो, अब यदि हम यहाँ पर ये हो गया दैट इम्प्लाइज 3i1 माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम i1 और i2 का वैल्यू जो ऊपर निकाल के रखें, यदि हम ये i1 और i2 के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दें तो i का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम मान भर देते हैं i1 और i2 का। क्लियर? दैट इम्प्लाइज 3 इंटू i1 का मान अपने पास क्या है, 2 अपॉन 5 2/5 ये i, किसका वैल्यू, i1 का वैल्यू, i1 इक्वल 2/5 i, और माइनस i2 का वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस i अपॉन 5 प्लस 2i इक्वल टू 2। ये हमको इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको हम यदि साल्व कर दें तो साल्व करने पर वहाँ से i का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बीच वाले पोर्शन को भी इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा उसको मैं, तो क्योंकि मेरे को आगे और सॉल्व करना है। सर्किट को रखूंगा क्योंकि सर्किट अभी आपको और एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है दो रिलेशन, ये तो मैं सॉल्व किया हूँ, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब देखो, क्योंकि आगे उसको हमको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरा किरचॉफ्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन, वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब इसको हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/5 i, तो 6/5 i, i/5 2i। यहाँ से मैं यदि i को कॉमन कर लूँ तो i अंडर ब्रैकेट क्या बन जाएगा, यहाँ से 6/5 प्लस ये 1/5 और प्लस 2 इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज i, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 6 + 1 + 10 इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू, ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 10 और अपॉन ये हो जाएगा 10 अपॉन 17। तो i का जो वैल्यू है 10 अपॉन 17, ये इतना एम्पियर अपने को मिलेगा। मतलब इसमें से 10 अपॉन 17 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, 10 अपॉन 17 का करंट फ्लो होने के बाद हम यदि इसको सॉल्व करें, वैल्यू को पुट अप कर करके, तो सबके वैल्यू निकलते जाएंगे। 10 अपॉन 17 क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट है। अब इस वैल्यू को यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो i1 का मान निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ, इसको रिलेशन दे देता हूँ रिलेशन नंबर फर्स्ट, इसको देता हूँ रिलेशन नंबर सेकंड। तो इसलिए x से, क्लियर? अच्छा, दो रिलेशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे शायद, दो इक्वेशन ना, तो इसको 3 दे दें और इसको क्या दे दें, 4 दे दें। तो 3 में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो i2 इक्वल टू माइनस i का वैल्यू कितना है, 10 अपॉन 17 और इंटू 1/5, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा, ये 2 जा तो माइनस 1/34। क्लियर? और इसका मान 4 में रख दें तो 4 से i1 इक्वल टू, ये जो i1 का वैल्यू है 2/5 i, मतलब 2/5 इंटू i का वैल्यू 10/17,
दैट इक्वल 5 × 4 = 17। ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा आई वन और आई टू का। अब आई वन और आई टू का वैल्यू जैसे अपने को मिलेगा, ये आई वन का वैल्यू है 4/17, आई टू का वैल्यू है -1/34। ये दोनों मान को यदि हम बारी बारी से एक एक पार्ट में रखें, ए बी में, बी सी में, तो सभी से बहने वाली धारा हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, राइट साइड को मैं मिटाऊंगा। लंबा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसका ना। एक बार यहाँ पर देखिए, I2 का वैल्यू अपने पास 2/5 है ना, 3 × 6 = 15, ठीक, -10/17 इंटू समीकरण 3 से -10/ I का वैल्यू 1/5। देखिए अब इसका वैल्यू को यहाँ पर एक मिस्टेक कर लिया मैं, 5 × 1 = 5 × 2 = 2 यहाँ आएगा ना, अरे 2/17 मैं धोखे से अपान में 2 लिख दिया, तो -2/17 होगा, 5 × 2 = 10 यहाँ 2 लिख दिया था धोखे से, इसको सुधार लेंगे आप लोग, है ना, तो -2/17 और ये हो जाएगा 4/17। अब इसके बेस पर हम सभी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, तो उसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आप करेक्ट करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करेक्ट करके वो धोखे से लिख लिया। अब उसके मान को हम यहाँ पर पुट अप करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर सभी ब्रांच का अपने को करंट निकालना है। क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि जितने भी इसके ब्रांच, जितने भी पार्ट हैं, इसके करंट का मान निकालिए। तो एक वन बाई वन निकालते हैं, ए बी, तो ए बी में बहने वाली धारा, ए बी में धारा, ए बी में धारा, तो ए बी में धारा क्या है, आई वन, ए बी में धारा आई वन बराबर, तो आई वन तो हम निकाल ही चुके हैं, आई वन का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, तो कितना हो जाएगा 4/17 एम्पियर, एक आंसर हुआ। अब बी सी में धारा, बी सी में बहने वाली धारा बराबर, तो बी सी में बहने वाली धारा क्या है अपने पास, I1 माइनस I2, ये हो जाएगा I1 माइनस I2, दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो I1 इक्वल टू I2, यहीं पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। I1 का वैल्यू अपने पास क्या है, I1 है 4/17, 4/17, और माइनस I2 का वैल्यू क्या है अपने पास, ये -2/17, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/17, दैट इक्वल ये हो गया 6/17, एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। इसके बाद ए बी में बहने वाली धारा, फिर बी सी में बहने वाली धारा, इसके बाद बी सी के बाद क्या निकालना है अपने को, सी डी या डी सी, तो सी डी में बहने वाली धारा, सी डी में धारा बराबर, सी डी में बहने वाली धारा क्या है, देखो सी डी ये आई माइनस आई वन प्लस आई टू, I माइनस आई वन प्लस आई टू, आई माइनस आई वन प्लस आई टू, मान भरते जाते हैं अपन, टोटल I का मान हमने निकाल के रखा है, टोटल I का मान है 10/17, ठीक है, ये हो जाएगा 10/17 माइनस आई वन 4/17 और I2 का मान है अपने पास -2/17, दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो हर तो समान है सीधा, 4 × 2 = 6, 10 में से 6 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4/17, क्लियर, ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। अब सी डी के बाद आगे चले आओ, सी डी के बाद डी ए या ए डी में बहने वाली धारा, डी ए में धारा बराबर, तो डी ए में धारा क्या है, आई माइनस आई वन, ये देखिए इसका मान क्या है, आई माइनस आई वन, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई वन, दैट इक्वल आई का मान 10/17 और माइनस आई वन का मान अपने पास ये
4/17, 4/17 इक्वल टू हो जाएगा 6/17 एम्पियर। और एक ब्रांच हमारा बच गया बी डी, ये वाला ब्रांच। तो बी डी में धारा जो कि डायरेक्ट है, बी डी में धारा को हमने क्या माना है, I2, और I2 बराबर, ये जो बी डी में धारा है I2 का मान है, और I2 का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, -2/17 एम्पियर। तो ये सब आंसर है, ए बी में धारा, बी सी में धारा, सी डी में धारा, डी ए में धारा और बी डी में धारा। एक बार मैं बुक से इसका आंसर टेली कर लूँ, ए बी में धारा 4/17 ठीक है, बी सी में धारा 6/17, सी डी में धारा 4/17 ठीक, और ए डी में धारा 6/17, बी डी में धारा -2/17 क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस सर्किट को समझना है, इसके बाद इक्वेशन बनाने हैं, फिर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने से आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का बहुत बेस्ट कलेक्शन क्वेश्चन है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आपको स्क्रीन शॉट करना है, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब हम चलते हैं 3.10, क्लियर, ओके, इरेज कर दूं इसको मैं। सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। मैं जब स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको आईआईटी जेई नीट के बेस में ध्यान में रख के, तो वहाँ पर एक मैं कंप्लीट, पहले तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो वहाँ पर हम सिर्फ सर्किट पर ही कुछ वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ सर्किट पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 3.10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, किसी मीटर सेतु में चित्र 3.27 पीछे बुक पर है क्वेश्चन, जब प्रतिरोध S इक्वल टू 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु S है, S का जो वैल्यू है 12.5 ओम, तो जो संतुलन बिंदु है L वो मिलता है सीधे ऐसे 39.5 सेंटीमीटर में संतुलन बिंदु मिलता है। R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R हमको फाइंड करना है, विटिस सेतु या मीटर सेतु प्रतिरोधक संयोजन के लिए मोटी कापर पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। देखो तो यहाँ पर सीधा सीधा जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ठीक है, या मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, दोनों एक ही मतलब है। तो यहां पर क्या है, S, S गिवन है ना, S बराबर 12.5 हो तो संतुलन, तो R का फार्मूला होता है सीधा इसके लिए, R इक्वल टू S इंटू L, R इक्वल टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L, ये फार्मूला है ठीक है। वैसे इसको फिगर में बोला है कि 3.27 के फिगर में देखो, ये बुक के अंदर आपको मिलेगा, 3.27 का कोई क्वेश्चन है, 3.27 ठीक है, R इसको लिया, R R S ये उल्टा हो जाएगा, फार्मूला भी इस तरह से नहीं होता, फार्मूला S इक्वल टू होता है 100 इंटू आर अपॉन होता है L इंटू आर, सॉरी ना, व्हीटस्टोन ब्रिज L इंटू आर अपॉन 100 माइनस L, इस तरह से होता है इसका फार्मूला। इसको हम R के लिए सॉल्व करें तो R इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा,
s into 100 minus l upon l, क्योंकि फिगर में इसमें उल्टा दे दिया है। एक मिनट आपको मैं सर्किट पर ही बता दूं इसको, क्योंकि इस बुक में क्या है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है आपको 3.27, अब आप लोग यदि एनसीईआरटी का बुक अभी कंसल्ट कर रहे होंगे तो पीछे जाके देखिए, 3.27 का एक फिगर दिया हुआ है जिसमें R और S, तो R और S यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया हुआ है, तो फार्मूला उसी तरह से हो जाएगा, फार्मूला उसी तरह से हो जाएगा डायरेक्ट। मैं सही लिखा था पहले, देखो S इक्वल R इंटू L अपॉन 100 माइनस L, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हमको R का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ R इक्वल टू, यहाँ R का अननोन मतलब रेजिस्टेंस हमारा R है और नॉन रेजिस्टेंस है 12.5, इसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो फार्मूला में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग फार्मूला को चेंज करना पड़ रहा है मुझे, यदि मीटर बीज होता दूसरे ढंग से कर दें। तो बुक पर रेफरेंस दिया हुआ है 3.27, यदि आप बुक कंसल्ट करेंगे तो 3.27 का जो फिगर है उसके बेस पर, ये इसका जो फिगर नंबर है इसके बेस पर इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो एस का वैल्यू कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, 39.5, ये 39.5 L, एस का वैल्यू 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5, कुछ नहीं कैलकुलेशन है बस, अब इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करूँ मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 493.75 और 100 में 39.5 को माइनस करें तो वो हो जाएगा 60.5। अब इसको मैं कैलकुलेटर से ही डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा 8.16 ओम। तो क्वेश्चन में सर्किट को ध्यान रखना है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज का जो फार्मूला होता है ये होता है, यहाँ पर ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है जहाँ तक उसकी दूरी होती है, और यहाँ पर अज्ञात तार का प्रतिरोध हम इस तरह से निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसके क्वेश्चन में, इसी में पूछा है कि मोटी कापर की पत्तियाँ इसे लगाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम रहे, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन को जब अपन बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, ये उसका आंसर है। दूसरा, आर तथा एस को अंतर्बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु कहाँ होगा, हाँ ये इसलिए फार्मूला में हमको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था, यदि हम उसको इंटरचेंज कर दें, मतलब क्या बोल रहा है, ब्रिज में दोनों को R को S के जगह में कर दें, S को L के जगह में कर दें, तब उस कंडीशन में संतुलन बिंदु अभी मिल रहा है 39.5 में, और उस कंडीशन में हो जाएगा जो संतुलन बिंदु L है वो 100 माइनस 39.5, क्योंकि वो पॉइंट वहाँ चलाएगा और वो वहाँ चला, सर्किट को ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो माइनस करने से आया है, मतलब हो जाएगा 60.5, तो बी का आंसर हो जाएगा इसमें 60.5, क्लियर। और नेक्स्ट पार्ट में इसको क्या पूछा है, यदि सेतु के संतुलन गैल्वानोमीटर और सेल को अंतर्बल कर जाए तो गैल्वानोमीटर को इधर, गैल्वानोमीटर को तो यदि हम वहाँ से हटाएं तो संतुलन बिंदु हमको प्राप्त होगा ही नहीं, तो सी पॉइंट का आंसर क्या होगा, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, क्लियर। तो तीन क्वेश्चन है इसमें जो पूरा क्या है मीटर ब्रिज पर बेस्ड है, तो आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पर है, ये फिगर का रिफरेंस है 3.27, यदि एनसीईआरटी बुक कंसल्ट करेंगे तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, फार्मूला ये होगा, बस फिगर नहीं होने से कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आर है कौन सा एस है, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.11, ये सब कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है 3.11। आठ वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचालक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यहाँ पर एक सर्किट अपन छोटा सा बना के आपको समझा दें तो समझ में आएगा। देखिए सर्किट खेल से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक बैटरी है और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और यहाँ पर एक और बैटरी बाद में लगाया,
इसके साथ भी इस तरह से रेजिस्टेंस वायर लगाया गया है, ठीक है। एक 8 वोल्ट का है और 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ये 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ये 8 वोल्ट का है। बाद में दूसरा बैटरी कितने वोल्ट का लगा दिया गया, बाद में 120 वोल्ट का लगा दिया गया, क्वेश्चन में आप देखिए। और इसका जो प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध लगाया गया 15.5 ओम, ये कैपिटल आर 15.5 ओम इस तरह से। अब क्वेश्चन में बोला है इसको रिचार्ज किया जाता है, इस बैटरी को इसकी सहायता से रिचार्ज किया जाता है, तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगा? तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, दोनों विद्युत वाहक बल को घटाने से होगा। तो वी इक्वल टू इसका टर्मिनल वोल्टता, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए हम 120 माइनस 8 वोल्ट, क्योंकि इसके हेल्प से ये चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स हो जाएगा 112 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका टर्मिनल वोल्टता, मतलब सीधा एक के विद्युत वाहक बल से दूसरे को माइनस करना है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबंध करने का क्या उद्देश्य है, चार्ज होते समय बैटरी के टर्मिनल वोल्टता क्या है। अब इसमें बहने वाली हम धारा निकाल लें, तो इसमें जो बहने वाली कुल धारा है आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होगा, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, इफेक्टिव कितना हो गया 112, ये हो जाएगा 112 वोल्ट का उसमें विद्युत वाहक बल मेंटेन है, और ये बाह्य प्रतिरोध है 15.5, और धन ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है 0.5, दैट इक्वल 112 में ये हो जाएगा 16 को अपन डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 7 आएगा मेरे ख्याल से, ना 7 एम्पियर, ये तो हो जाएगा 7 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होगा, ठीक है। अब बोला जाता है कि टर्मिनल विभवांतर में किस तरह का फर्क पड़ेगा, तो वी इक्वल टू फार्मूला लगेगा चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबंध करने का क्या उद्देश्य है। श्रेणी क्रम में इसको यदि हम इसको समांतर क्रम में लगा दें तो इससे होकर बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगी, इसलिए क्या है इसको श्रेणी क्रम में इसके साथ में लगाया गया है। तो यहाँ पर बैटरी के साथ लगाया है, तब टर्मिनल वोल्टता वो निकलेगा, अब इसका इफेक्टिव विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट इस कंडीशन में हो जाएगा V इक्वल टू E और प्लस, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में लगा, इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 श्रेणी क्रम में, तो I इंटू इसका स्मॉल R, मतलब इसका विद्युत वाहक बल अब इफेक्टिव है। जैसे इस बैटरी को हटा दें हम, तो इसका जो इफेक्टिव टर्मिनल, मतलब उस बैटरी के चार्ज होने के बाद, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बैटरी जब चार्ज हो जाए तो उसका इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज, मतलब उसका जो दोनों सिरों का वोल्ट है वो कितना होगा, तो V बराबर हो जाएगा E, जितना इसका खुद का विद्युत वाहक बल है, तो उसका विद्युत वाहक बल 8 हो गया है, रिचार्ज हो चुका है वो, और करेंट इस पर जो करेंट अपन सप्लाई कर रहे हैं कितना 7 एम्पियर का हो गया, और इनटू इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 प्लस 7.2, दैट मीन्स 8 प्लस 7.2 16 प्लस 7.2 दैट मीन्स 23.2, ठीक है। तो 23.2 में अपन डिवाइड करके देख लें कैलकुलेटर से आंसर कितना आएगा, 23.2 ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन ये कि इसका इफेक्टिव वोल्टता कितना होगा जब उसको रिचार्ज कर रहा है, तो 112 वोल्ट होगा क्योंकि इसके विभव से ये घट जाएगा,
इसके बाद इसमें बहने वाली धारा 7 एम्पियर होगा। धारा क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमको इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का विभवांतर निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट, मतलब बैटरी रिचार्ज होने के बाद 11.5 वोल्ट का विभवांतर मेंटेन करेगा या विद्युत वाहक बल मेंटेन करेगा। ये है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि कब सीरीज में लेना है, कब पैरेलल में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.12, क्वेश्चन नंबर 3.12 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, देखो पोटेंशियोमीटर पर बेस्ट क्वेश्चन है। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25, मतलब यहां पर दिया है E1 = 1.25, ये आसान है। संतुलन बिंदु 35 सेंटीमीटर में है, मतलब L1 = 35 सेंटीमीटर, दो लाइन का क्वेश्चन ऐसी है। यदि ये सेल को किसी अन्य प्रतिस्थापित किया जाए तो संतुलन बिंदु 66 पर विभवांतर, दूसरा सेल को विद्युत वाहक बल, मतलब E2 फाइंड करने बोल रहा है, कब, जब L2 प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कितना से, 63 सेंटीमीटर से। तो क्वेश्चन आपको पता है पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी का सिद्धांत से जो हम फार्मूला निकाल कर रखे हैं, E1 / E2 इक्वल टू होता है L1 / L2 संतुलन की स्थिति में। दैट इंप्लाइज बस इसमें मान को भरना है, तो E1 का मान कितना है 1.25 / ये E2 ज्ञात करना है, दैट इक्वल L1 का मान कितना है 35 और L2 का मान कितना है 63। दैट इंप्लाइज E2 ज्ञात करना है, तो E2 इक्वल 1.25 इंटू 63 / 35। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेटर सॉल्व करके सीधा आंसर बता देता हूँ इसका। मैं 1.25 इंटू 63 / 35, ये हो जाएगा 2.25 वोल्ट। दैट मीन्स वो जो सेकंड नंबर का बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल 2.25। बहुत आसान है, विभव मापी से आप जानते हो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का फार्मूला, जिसमें ये जो वैल्यू दिया है सीधा पुटअप करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हो गया 3.12। अब हम देखते हैं 3.13, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, दैट मीन्स किसी तांबे के चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व, उदाहरण नंबर 3.1 एग्जाम्पल में दिया होगा, इतना आकलित किया गया है। संख्या घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 3 मीटर लंबे तार के एक से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, और इसमें एक बार स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और इसके बेस पर मैं गिवन लिख रहा हूं। तो क्या क्या गिवन है देखिए क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व के आधार पर, ठीक है। तो n हो जाएगा, ये n इक्वल 8.5 इंटू 10^28 मीटर क्यूब, और दिया है 3 मीटर लंबे तार, तार की लंबाई दिया है 3 मीटर। इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, टाइम निकालना है अपने को, टाइम कितना लेता है ये पूछ रहा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और प्रवाहित धारा का मान दिया हुआ है I = 2 एम्पियर। देखो इतना डेटा दिया हुआ है और आपको टाइम निकालना है, ये टाइम। नेचुरली ये डेटा देख के आपको समझ में आ गया होगा कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध पर आधारित क्वेश्चन है। तो अपने को पता है कि सबसे पहले हम वेग बराबर दूरी बटे समय, तो VD बराबर दूरी माने तार की लंबाई और बटे समय, इस फार्मूला के लिए अपन यूज करें तो दैट इम्प्लाइज VD = L, 3 मीटर दिया हुआ है तो 3, या इसको ऐसा रहने दो, आप रिलेशन में पहले संबंध बना ले तो मैं फार्मूला निकाल लूँ पहले, ये हो गया। तथा अपने को पता है कि I = होता है NE A into VD,
ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। दैट इंप्लाइज यहाँ इसके वैल्यू यहाँ पर ला के पुट कर दूँ तो I इक्वल हो जाएगा एन ई ए और वी डी का मान हो जाएगा एल अपॉन टी। ये पुट कर सकते हैं। दैट इंप्लाइज हमको टी का मान चाहिए, टी किधर ट्रांसफर कर दो तो टी इक्वल टू निकल जाएगा एन इंटू ई इंटू ए इंटू एल अपॉन आई। इस तरह से सबसे पहले हमें फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं टी के लिए, क्लियर। तो टी के लिए हमारा जो फार्मूला निकल जाएगा, इस फार्मूला में हम इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। दैट इंप्लाइज समय निकालना है क्वेश्चन में, तो टी इक्वल एन का वैल्यू अपने को दिया है क्या 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये पुट अप कर दिया, ये हो गया ई और ए इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये ए का मान दिया हुआ है और तार की लंबाई 3 मीटर है, तो रहेगा इंटू 3 और अपन आई, तो करेंट भी कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। दैट इक्वल इसको अब आप लोग सॉल्व करना, 10 के पावर को सॉल्व करना, इसका जो आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बोला क्वेश्चन में, 3 एम्पियर का, सॉरी ये 3 एम्पियर का करंट है, क्वेश्चन में गलत लिख लिया था मैं, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 2.72 × 10^4 सेकंड। और सेकंड को आप यदि आवर में चेंज करोगे, सेकंड को आवर में चेंज करोगे तो 7 आवर नियर अबाउट 33 मिनट के आसपास आपको मिलेगा ये आंसर। ये बहुत लेंदी समसन, इसको आप कर लेना, 10 के पावर को सॉल्व कर इतना आप कर सकते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये मेरे भरोसे नहीं चलेगा, तो ये आपको इतना वैल्यू इसका मिलेगा, क्लियर। तो ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जितने ये 13 क्वेश्चन हैं वो पूरे 13 क्वेश्चन पूरा का पूरा हर क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट पर है और लगभग पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत स्पेशल कलेक्शन है न्यूमेरिकल्स का, जो सर्किट पर बेस्ड है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, किरचॉफ्स लॉ पर है, वो मैं स्पेशल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको कराया, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट स्टेज में आप इसी स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल्स करिए तो धीरे धीरे वो आपको इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, थैंक यू।